चुनाव खत्म हो गए, नई सरकार बनने के कगार पर है, फिर भी पार्टी कार्यकर्ताओं की अपनी नोकझोंक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मुंबई के कांग्रेस कार्यकर्ता सुदर्शन मंडलिक ने व्हाट्सएप ग्रुप पर भाजपा के संदर्भ में अभद्र पोस्ट की, जिसकी शिकायत भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुंबई के अंटाफी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है। इलेक्शन खत्म हो गए, देश में नई सरकार स्थापित होने जा रही है, फिर भी अभी तक कुछ जो कांग्रेसी वर्कर हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि देश की पॉलिटिकल डेकोरम डिसेंसी को क्या हो गया, कैसे करना पड़ता है। आज हमारे मुंबई के सेक्रेटरी अरविंद दास जी जो एक ग्रुप में है, उसमें एक कांग्रेस वर्कर ने, ऑफिस बेयरर ने बहुत गलत पोस्ट डाली है, बहुत ही आपत्तिजनक पोस्ट है। उस सिलसिले में हम पुलिस स्टेशन में, एंटाफिल पुलिस स्टेशन में हम लोग ने तकरार की है और उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने का मांग की है। और बात ऐसा है कि चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन किसी पॉलिटिकल नेता के साथ में, अगर हम अपने जो अपोजिशन के लीडर हैं उनके साथ में अगर ऐसी कुछ बनाना चालू करें तो अच्छी बात नहीं है। पॉलिटिकल मेमेस बनते हैं, जोक्स बनते हैं, फोटोशॉपिंग होती है, लेकिन वो एक हद तक होती है जिसमें पब्लिक खुश रहे। एक पर्सनल लेवल पे जाके आपत्तिजनक और एकदम ही डेरोगेटरी डालना वो अच्छी बात नहीं है। पॉलिटिकल जोक्स बनते हैं, सब कुछ होते हैं और सब अच्छे दिल से लेते हैं। मोदी जी ने खुद मंच पे ममता दीदी को बोला है कि मेरे खिलाफ आप जितने मर्जी पोस्ट बनाओ, कार्टून बनाओ, मैं हंस के लूंगा और आपके सामने हाथ में आपके सामने लूंगा। वो एक उनका भड़कपन है, लेकिन इनको वर्कर को, छोटा पॉलिटिकल वर्कर, उनको समझना चाहिए तुम्हारी हस्ती क्या है और जिसके खिलाफ तुम बोल रहे हो आज वो किस कहां पर है, देश के किस पद पर है। इसके लिए हम इधर पुलिस स्टेशन में आए हैं उनको बता करने के लिए कि आज के बाद ऐसा कुछ भी हुआ इसके ऊपर तो होगी कार्रवाई। देश के कोई भी लीडर के खिलाफ जोक बनो वो अलग बात है, आपत्तिजनक कुछ भी चीज़ आई तो हम अपने स्टाइल से और लीगल तरीके से उसके ऊपर रेडी। ये जो लेटर दिया है सीनियर पीआई को दिया है, उन्होंने पूरा ध्यान से पढ़ा है और हमको आश्वासन दिया है कि जो बीकेसी बांद्रा में साइबर सेल है उसके वहाँ से ऑथेंटिकेशन आने के बाद इसको एफआईआर में कन्वर्ट भी किया जाएगा और जो ऑफेंडर है, और हमको पता है कि नॉन ऑफेंडर है, उसको सजा करके उसको जो अरेस्ट करके उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी।